वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एशियन पोएट्री एंड टॉक शो विथ डॉक्टर साहेब खंदारे। मित्रों नमस्ते, सबेलाई प्रणाम। आज हम फिर से नेपाली कवि शर्मिला कार्की जी के कुछ मुक्तक सुनने जा रहे हैं। देखो, अगर हम अपनी जिंदगी को बहुत सूक्ष्मता से देखें तो हमें ये पता चलता है कि जीवन एक रंग से नहीं रंगा होता, क्योंकि जीवन में प्रकृति के कई रंग होते हैं। कई रंग, कुछ दिखते हैं, सामने आते हैं, तो कुछ दिखाई भी नहीं देते। ऐसे कई रंगों से अपना जीवन भरा पड़ा होता है। उसी के साथ इस जिंदगी में आने वाले अनुभवों को अगर हम देखें तो वो अनुभव भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि फूले हुए फूलों को देख करके या फुलवारी को देख करके जीवन आनंद से झूम उठता है। प्रकृति के कई रूपों को देखने के बाद मनुष्य मात्र आनंद से झूम उठता है, और कई दुखों को देख करके, वो खुद के हो या पराये हो, दुखों को देख करके हम लोग जीवन ये मलूल बनता है, शाश्रु नयनों से वो सदगदित होता है। इसका मतलब यह है कि अनुभव जैसे सुख दुख से भरे होते हैं, सृष्टि के रंगों जैसे ही होते हो, कई सारे रंग हम गिन नहीं सकते, उतने रंग। वो जो सात रंग बताए गए हैं ना, उस सात रंगों से कई ज़्यादा रंग, क्योंकि कई रंगों का मिश्रण सृष्टि के कई फूलों में, पत्तों में या फिर मिट्टी में हमें दिखाई देता है। इसी तरह प्रश्नों का भी होता है, इसी तरह हमारे सामने खड़ी समस्याओं का भी होता है, और इस समस्याओं को, इन प्रश्नों से जूझते हुए आम आदमी बेजार होता है, बहुत तरीके से दुखी होता है, लेकिन कवि उसके ऊपर अपनी टिप्पणियाँ जोड़ता है। टिप्पणी यानी प्रतिक्रियाएँ नहीं, वो एक टिप्पणी सी देता है कि ऐसे दुख को अगर हम दुख के साथ जूझते बैठे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, परिमार्जन नहीं होगा। इसलिए फिर कवि अपनी भावना को शब्दों में लाने के लिए उस विषय वस्तु की मूल ढूंढने का, मूल की तरफ जाने का, मूल का अनुसंधान करने का प्रयास करता है, और तभी जा करके उन्हें उस मूल के तरफ ले जाने वाले अनुभवों से कुछ एक चेतना सी मिलती है, और वहाँ कविता का जन्म होता है। इसी तरह जैसे कि एक ही कवि है और वो कई सारे तरह की कविता लिखता है, कई सारे तरह की यानी कई सारे विधाओं में जैसा लिखता है, वैसे ही कई सारे प्रकृति की कविता भी लिखता है। वो सुख की, आनंद की कविता भी लिखता है, और दुख की, और दुख के साथ साथ जीवन को जर्जर करने वाली समस्याओं को उजागर करने की कोशिश भी अपनी कविता के द्वारा करता है। ऐसी ही एक कवयित्री है कार्की जी, शर्मिला कार्की। ये नेपाल से है, और नेपाल के एक छोटे से गांव में उनकी खेती है। मैं कई बार देख चुका हूँ कि शर्मिला मेरी बेटी जैसी है, वो पोखरा में रहती है और कई बार वो अपने गांव में खेती में काम करती है। उच्च शिक्षित होकर भी उसका जो मिट्टी से लगाव है, गांव से लगाव है, गांव के प्रश्नों से, समस्याओं से वो जूझ रही है, तो ये शर्मिला जी अपने जीवन में कविता को खोजती रहती है। इसीलिए उनकी कविता में कई सारे विषय वस्तु हमें दिखाई देते हैं। स्त्रियों के बारे में यानी स्त्री विमर्श की कविता जैसे उन्होंने लिखी है, वैसे ही निसर्ग विमर्श की भी कविता उन्होंने लिखी है। कई सारे विषय वस्तु उनकी कविता में होते हैं, वैसे ही उनके मुक्तकों में भी होते हैं, प्राय वो मुक्तक ही लिखती है। तो चलो सुनते हैं शर्मिला कार्की जी के पांच मुक्तक। फूल संग प्रसन्न भई हाँसू हाँसू लाग्यो, फूल संग प्रसन्न भई हाँसू हाँसू लाग्यो, सौंदर्य हृदयमै टासू टासू लाग्यो, अन्तरमनमा प्रकृतिले खैकी भरिदियो, अन्तरमनमा प्रकृतिले खैकी भरिदियो, साँच्चै दिगो हुने प्रति गाँसु गाँसु लाग्यो, साँच्चै दिगो हुने प्रति गाँसु गाँसु लाग्यो।
अर्को को आफ्नो यहाँ को पराई सबै उस्तै उस्तै लाग्छ को आफ्नो यहाँ को पराई सबै उस्तै उस्तै लाग्छ कुन चाहिँ भिख कुन दबाई सबै उस्तै उस्तै लाग्छ छैनन् सुरक्षित अचेल नारी जहाँ जता गए पनि छैनन् सुरक्षित अचेल नारी जहाँ जता गए पनि के पहाड अब के तराई सबै उस्तै उस्तै लाग्छ के पहाड अब के तराई सबै उस्तै उस्तै लाग्छ अर्को भ्रूणबाट बचे भने बलात्कारमा पर्नु पर्छ भ्रूणबाट बचे भने बलात्कारमा पर्नु पर्छ छाउपडीमा अछुत बन्दै अर्कै गोठमा सर्नु पर्छ सृष्टि गर्ने पालन गर्ने माया गर्ने नारीले नै सृष्टि गर्ने पालन गर्ने माया गर्ने नारीले नै अझै के बहानामा कहिलेसम्म मर्नु पर्छ अझै के बहानामा कहिलेसम्म मर्नु पर्छ शब्दलाई अनुभूतिमा घोल्न जाने पो कविता भन्छ शब्दलाई अनुभूतिमा घोल्न जाने पो कविता भन्छ सबैलाई रमाइलो गरी नचाहे पो रमिता भन्छ अरूलाई दोषारोपण मात्र गर्नेलाई के थाहा अरूलाई दोषारोपण मात्र गर्नेलाई के थाहा आफ्नो धर्म निर्वाह गरे पो आचार संहिता भन्छ आफ्नो धर्म निर्वाह गरे पो आचार संहिता भन्छ अन्तिम लेख्नु पर्यो मैले नि कविता कस्तो कस्तो लेख्नु पर्यो मैले नि कविता कस्तो कस्तो देखेर यो दुनियाँको रमिता कस्तो कस्तो लेख्नु पर्यो मैले नि कविता कस्तो कस्तो देखेर यो दुनियाँको रमिता कस्तो कस्तो न इज्जत छ नारीको न छ मान सम्मान अचेल न इज्जत छ नारीको न छ मान सम्मान अचेल लुटिएपछिको नारीको अस्मिता कस्तो कस्तो लुटिएपछिको नारीको अस्मिता कस्तो कस्तो।